मित्रों जय माता दी। मित्रों आज 10 जनवरी शुक्रवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार का दिन है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए क्या करें क्या ना करें। मित्रों आज 10 जनवरी शुक्रवार को रात्रि 10:37 पर चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। नववर्ष 2020 का प्रथम चंद्रग्रहण आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके करियर तथा आपके लव लाइफ में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है, आपके जीवन में कौन सी नई खुशियां दस्तक दे सकती हैं तथा कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपको बताएंगे आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों आज आप क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके जीवन की रूपरेखा को बदल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता एक्टिविटीज बढ़ने वाली हैं, किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलने का योग भी बन रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि आद्रा नक्षत्र आज दोपहर 2:49 तक रहने वाला है, शाम 4:56 तक यह रहेगा और आपको बताना चाहेंगे कि आज चंद्रग्रहण का स्पर्श काल 10:37 से शुरू होकर 2:22 तक इसका मोक्ष काल रहने वाला है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर इसका कौन कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आपको बताते हैं। मित्रों शास्त्रों की माने तो पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि स्नान और व्रत करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ है। आप जिस भी कार्य को करने की योजना बना रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह ग्रहण आपके जीवन में काफी खुशियों को ला रहा है। परिवार से जुड़ी आपकी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर आपके जीवन साथी के साथ आज यादगार पलों को बिता सकते हैं। आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए काफी यह ग्रहण उग्रसर कर रहा है। आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की परेशानियों को आप झेल रहे थे, चाहे आपका व्यापार मंदा चल रहा था, आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुसार परिणाम न मिल पा रहे थे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल सकती थी, तो ऐसे में आपको इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में काफी खुशियां आ सकती हैं। आपको अपने करियर में नए बदलाव के मौके मिलेंगे जो आपके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद होंगे। आपको अपनी सेहत बेहतर दिखती रहेगी। इस राशि के जो लोग सोशल साइट से जुड़े हैं उन्हें जान पहचान बढ़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी पहुंच हो सकती है जो कि आपको लाभ दिलाएगी। कारोबार में कुछ मददगार साबित होने वाले हैं। आपके सभी कष्टों का निवारण होगा तथा आपके जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेंगी। आपके विवाह के सबसे उत्तम योग बन रहे हैं। आपका अगर विवाह बहुत दिनों से आपका नहीं हो रहा था, ऐसे में आज आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। आपको दांपत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेंगी। आज विशेषकर किसी पर ज्यादा भरोसा न करें। आपको अपने भावनाओं पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको कोई बड़ा फैसला लेने से आज बचना होगा। गुस्से पर खासकर काबू रखें। आप अपने संतान की चिंता कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपको कुछ कामों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद मिल सकेगी। परिवार के साथ मूवी का प्लान बना सकते हैं। आपको पैसों से जुड़े लेन देन के मामलों में बचकर रहना चाहिए। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा।
आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी तरह की पुरानी बातों पर ध्यान देने से बचने की आगाह कर रहा है। आपके ग्रह गोचर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। आप काफी लाभकारी पलों को व्यतीत कर सकोगे। आज के दिन का बखूबी उपयोग करना, आप बेहतर तरीके से फायदे में रह सकते हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारण करने के लिए आज कोई नई योजना बना सकते हैं। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप काफी सफल होंगे। कुंभ राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। इसलिए आप अपने आज बेडरूम में अपने बेड के पास एक लव बर्ड्स का स्टेचू जरूर रखें। ऐसा करने से आप अपने जीवन साथी से बढ़ रही अनबन को दूर करेंगे, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आज का दिन शिक्षा जगत के क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए शानदार गुजरने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इस राशि के छात्रों को अपने शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको सुख भी प्राप्त होने वाली हैं। आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपको पैसे कमाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपको अपने कामकाज से जुड़े नए आइडियाज मिलेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि के जो जातक अभी तक बेरोजगार हैं, बहुत प्रयासों के बाद भी आपको अच्छी रोजगार नहीं मिल सक रही थी, ऐसे में आज ये चंद्रग्रहण के बाद आपके जीवन में एक अच्छे रोजगार का माध्यम उपलब्ध होगा। आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा यकीन करना पड़ेगा। पारिवारिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी थोड़ भाग करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपका काम सही समय पर पूरा होगा। किसी बात को लेकर भाई बहन से थोड़ी सी अनबन भी रह सकती है। आप इस समय अपने बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड करें। आप नए कामों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। नए संबंधों से आपको फायदा होगा। मित्रों, अगर अभी तक आप सिंगल हैं, आप अभी तक बैचलर लाइफ जी रहे हैं, ऐसे में आज का दिन आपके जीवन में काफी खुशियां ला सकता है। आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकती है। आपको प्रेमी या प्रेमिकाओं की प्राप्ति भी होगी। आपको खूब तरक्की दिलाएगी। किसी खास काम में आपको फायदा मिल सकता है। आज आपका खोया हुआ बिछड़ा हुआ प्रेम भी जीवन में दस्तक दे सकता है। भाई बहन के साथ आपके संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं। जीवन साथी आपकी बातों से काफी प्रभावित होंगे। बिजनेस के मामलों में दिन काफी अच्छा रहेगा। सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग है। दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। कुछ नए कामकाज आपके सामने आ सकते हैं। उनके लिए जरूरी लोगों से मुलाकात भी आज हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की दिक्कतें, किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो आज के दिन किसी कन्या को लाल चुनरी उपहार में दे दें। ऐसा करने से आपके विवाह के योग जल्द ही बनेंगे। आपको एक सुंदर और अच्छे जीवन साथी की तलाश खत्म हो सकती है। आपका दिन काफी खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। अचानक नए स्रोतों से हुआ धन लाभ आपकी आर्थिक स्थितियों को संतुलित कर सकता है। आप शाम तक किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। लव मेट के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है। कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको मिल सकेगी। मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को, अपने इच्छाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार संभव है। व्यवसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन काफी बेहतर रहेगा। आप हर कार्य को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियों से भरा आपका दिन रहेगा। ऑफिस का माहौल काफी बढ़िया रहेगा, जो कि आपको खुशी प्रदान करेगा। आप आज घर से निकलते समय, अपने काम पर जाते समय माता पिता के पैरों को अवश्य छुएं, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपको बताना चाहेंगे,
कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, साथ ही आप इसमें सफल भी होंगे। घर का माहौल काफी लाभकारी रहेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही दूसरे लोग आपके कामकाज से भी प्रभावित होंगे। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार में मधुरता के साथ विश्वास भी बढ़ेगा। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके कामों को बना सकती है। सफलता आपके कदमों को चूमेंगी। ऑफिस के काम में आप बिजी रह सकते हैं। सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं, जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर साफ दिखाई देगा। आपका आर्थिक पक्ष भी पहले की अपेक्षा काफी मजबूत रहेगा। परिवार के कुछ मामलों में आपको अनदेखा करने से बचना होगा। जो भी ग्लेशक वे हैं उनको दूर करें और किसी भी प्रकार की कमी हो उनका पूरा करने का प्रयास करें। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।